एक बार की बात है, ग्रामीण इलाकों की हरी भरी पहाड़ियों में बसे एक शांत खेत में बेसी नाम की एक गाय रहती थी। बेसी एक प्यारी और कोमल प्राणी थी, जो अपने विनम्र स्वभाव और दयालु हृदय के लिए जानी जाती थी। उसने अपना दिन खेतों में चरने और खेत में जीवन के साधारण सुखों का आनंद लेने में बिताया। एक सुनहरी सुबह बेसी चरागाह में चर रही थी, जब उसने पास के खलिहान से एक हलचल सुनी। उसने अपना सिर उठाया और गौर से सुना, उसकी बड़ी बड़ी भूरी आंखें उत्सुकता से भर गईं। अचानक उसे नवजात बछड़ों के रोने की अचूक आवाज सुनाई दी। बिना किसी हिचकिचाहट के बेसी खलिहान की ओर दौड़ी। उसका दिल उत्साह और खुशी से भर गया। जैसे ही वह मंद रोशनी वाली जगह में दाखिल हुई, उसने दो छोटे नवजात बछड़ों को पुआल से ढके फर्श पर पड़ा देखा। वे दोनों इतने छोटे और नाजुक थे, नाजुक सुविधाओं और लड़खड़ाते पैरों के साथ। बेसी ने दो नन्हे मुन्ने बच्चों को घूरते हुए मातृवृत्ति के झटके को महसूस किया। वह तुरंत जानती थी कि उसे उनकी देखभाल करनी है और उन्हें नुकसान से बचाना है। एक कोमल कुहनी से उसने उन दोनों से खड़े होने और अपने थन से नस करने का आग्रह किया। अगले कुछ हफ्तों तक बेसी ने अटूट भक्ति के साथ बछड़ों के बच्चे की देखभाल की। उसने उन्हें खिलाया, उन्हें साफ किया और उन्हें अपनी नई दुनिया की खोज के रूप में देखा। बछड़े बदले में अपनी माँ की पूजा करते थे और हर जगह उसका पीछा करते थे। जैसे जैसे सप्ताह महीनों में बदलते गए, बेसी ने अपने बच्चों को बड़े और मजबूत होते हुए गर्व के साथ देखा। वे उसकी ओर से आगे बढ़ने लगे, खेतों की खोजबीन करने लगे और फार्म पर अन्य जानवरों के साथ नए दोस्त बनाने लगे। बेसी हमेशा उन पर पैनी नजर रखते थे, ये सुनिश्चित करते हुए कि वे सुरक्षित और खुश हैं। एक दिन खेत में भयंकर तूफान आया, तेज हवा चली और बारिश होने लगी, जिससे जानवर डर के मारे एक दूसरे से लिपट गए। बेसी के बच्चे डरे हुए और ठंडे थे, गीली घास में कांप रहे थे, लेकिन बेसी डरी नहीं। वह जानती थी कि अपने बच्चों को नुकसान से बचाना उसका कर्तव्य है। दृढ़ संकल्प की गहरी भावना के साथ उसने उन्हें अपने मजबूत शरीर के साथ तत्वों से बचाते हुए खलिहान के आश्रय की ओर निर्देशित किया। घंटों तक बेसी खलिहान में खड़ी रही, अपने बच्चों को प्रचंड तूफान से बचाती रही। जैसे ही बारिश धीरे धीरे कम होने लगी, उसने अपने नन्हे मुन्ने बच्चों की ओर देखा और उनकी कृतज्ञता के भावों को देखा। वे जानते थे कि वे सुरक्षित हैं और प्यार करते हैं। अपनी बहादुर और समर्पित माँ के लिए धन्यवाद। और इसलिए बेसी और उसके बच्चों का जीवन आगे बढ़ा। उन्होंने अपना दिन धूप में खेलने, खेतों में चरने और रात में खलिहान में एक साथ दुबकने में बिताया। वे प्यार और वफादारी के अटूट बंधन से बंधे एक खुशहाल छोटे परिवार थे। साल बीतते गए और बेसी के बच्चे बड़े होकर खुद मजबूत और स्वस्थ गाय बन गए, लेकिन वे अपनी माँ के प्यार और भक्ति को कभी नहीं भूले, जिन्होंने उन्हें इतनी देखभाल और कोमलता से पाला था। और बेसी अपने हिस्से के लिए खेत पर एक प्रिय और सम्मानित व्यक्ति बनी रही, जो कि दुनिया में अच्छा और महान था।